गुड आफ्टरनून। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। तो उसमें हम बात करेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक रिंग बना लेते हैं। ऐसे ये रिंग है और हम यहाँ पे लिख देते हैं किसकी बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो ये हमारा रिंग है और इस रिंग पे हम यूनिफॉर्मली चार्ज, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज हम बना देते हैं, कुछ यूनिफॉर्म चार्ज है। ये चार्ज है और इसकी वजह से कुछ इस पॉइंट पे हमें सपोज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे चाहिए। तो ये इसका सेंटर है, सेंटर से हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और ये यहाँ से ये जो है इसको हम कहते हैं आर रेडियस है। और अब हम क्या करते हैं कि इस पूरे पॉइंट को इस तरह से हम मिला देते हैं इसको ऐसे। तो ये पूरा ये जो एंगल है ये थीटा हो जाएगा, थीटा एंगल इसको हम कहेंगे। अगर इसको हम एक्स मान लें तो, और ये स्मॉल आर इसको मान लेते हैं, तो जो हमारा वोल्टेज है हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि V is equal to one by four by epsilon naught into Q over small r। अच्छा, अब इस स्मॉल आर, ये जो स्मॉल आर है ये इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा जो टोटल वैल्यू होगी वो आ जाएगी वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वन बाई अंडर रूट, सॉरी दिस इज क्यू, क्यू बाई दिस इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर जो इफ आई वी कैन से अगर इफ आर इज much greater than x, or we can say at x equal to 0, जब हम बात करेंगे कि इस सेंटर यहाँ पे इसके सर्कमफ्रेंस पे, सर्कल के रिंग के सर्कमफ्रेंस पे अगर पोटेंशियल की हम बात करें तो वहां पे अगर ये जीरो हो जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू ओवर आर। सो सेम एज यहाँ पे आ जाएगा, एक तो आपका ये और दूसरा
फार्मूला ये आप बहुत इजीली इसको डराइव कर सकते हैं, इसको इस तरह से आप डराइव कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे कि अगर कोई डिस्क है, चार्ज डिस्क है, ये तो रिंग की बात हुई, अब अगर चार्ज कोई चार्ज डिस्क है तो क्या होगा, तो उसके लिए भी हम फार्मूला यहाँ पे डराइव करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको इरेज करेंगे, सारी चीजें हम पहले इरेज कर देते हैं और उसके बाद हम फार्मूले को डराइव करते हैं। तो सबसे पहले हम चार्ज डिस्क बनाएंगे, यहाँ पे एक एक बड़ा रिंग ले लिया, उसके अंदर एक उसके अंदर एक छोटा उसके अंदर एक छोटा रिंग डिस्क बनाना है, तो हम इस तरह से डिस्क इस तरह से हम डिस्क बना सकते हैं मिडिल में ऐसे, यहाँ से ऐसे ये एक डिस्क, इसको हम इस तरह शेप में ला सकते हैं थोड़ा सा। और उसके बाद तो अगर मैं बात करूं तो ये उसके बाद ये होलो डिस्क कुछ इस तरह से होता है, होलो यहाँ पे लेंगे, होलो का भी इस तरह से हम कर सकते हैं। ये कुछ हमने डिस्क का शेप बनाया है, डिस्क है ये, और तो इसकी हम बात करें तो यहाँ से अगर फिर हम अगर सेंटर की बात करें तो इस यहाँ से लेकर के ये जो है ये स्मॉल ये स्मॉल आर हो जाएगा। और इसकी बात करें तो यहाँ से लेकर के और ये पूरा ये आपका कैपिटल आर हो जाएगा। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हम यहाँ पे लेके आते हैं, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी हम देखेंगे कि क्या कितना होगा। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये जो इसमें चार्ज फील्ड है, ये जो चार्ज यहाँ पे फील्ड है वो कितने हैं, यहाँ पे हम इस तरह से लिखते हैं स्मॉल डी एंड क्यू डी क्यू। तो हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसको हमने क्या बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क इसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे आज। तो सबसे पहले हम उसी की बात कर रहे हैं। तो अच्छा, अब अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो एक लाइन इस तरह से हम ड्रॉ कर देते हैं और हम बात करेंगे कि इस वाले पॉइंट से यहाँ से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करें और इसकी जो वैल्यू है, अगर ये हमारा एक्स है और ये आर है, तो स्मॉल आर है, तो ये क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये यही होगा। तो यहाँ पर हम जो लिखेंगे, क्योंकि स्मॉल अगर मैं इस डिस्क का पूरे पे पोटेंशियल निकाल लेता हूँ तो पूरे का पोटेंशियल निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी वी इक्वल टू 1/4 पाई, तो हम के ले लेते हैं के डी क्यू
प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमने लिखा है। अब डी क्यू को हम मान सकते हैं क्योंकि ये चार्ज है, मतलब तो चार्ज को हम ये मान सकते हैं, ये एक स्फीयर टाइप का, सर्कल टाइप का है, तो इसको हम चार्ज डेंसिटी से डिनोट करेंगे। हम यहाँ पे डी क्यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं, डी तो डी क्यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ, डी क्यू इक्वल टू फोर, सॉरी इसका हम पेरीमीटर लिखेंगे 2πr, हाफ है तो लिखेंगे 2πr सिग्मा इंटू डी आर, ये इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो डी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू 2πr सिग्मा डी आर इंटू डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो इट विल बी कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, तो डी वी डी वी इक्वल टू सारी चीजें बाहर हो जाएंगी, के टू पाई एंड सिग्मा विल बी आउट ऑफ इंटीग्रेशन, तो आर हियर इज आर ओवर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी आर नाउ, सो आई एम गोइंग टू इरेज दिस वन एंड आई एम गोइंग टू राइट हियर द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन, सो वी इज इक्वल टू फाइनली we have 2 pi k sigma and we have under root r square plus x square r square plus x square and minus of x. If we integrate this and put the value of limit, then we will get this one, this formula for the uniformly charged disk. And if we have if there will be if x will be zero, if then you can see the v is equal to 2 pi k into r only, so this will be formula in the case of surface of the disk. So and if we put the value of epsilon naught, so also we have the formula, if we put the value of v is equal to put the value of k, then we have 1 by 4 pi epsilon
phi sigma will be there. Sigma r into sigma, and so is equal to 2 pi. 2 pi is cancel out, so sigma r over 2 epsilon naught. This is the formula at the surface of the disk. So this is the formula at the surface of the disk. Now I am going to discuss the parallel plate capacitor and what is the parallel plate capacitor. So I am going to discuss this topic will be discussed in next video. So thank you.